कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकाल प्रदर्शन किया। रोक के बावजूद रैली में निकले सपा कार्यकर्ताओं की जमकर भीड़ उमड़ी। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से कई जगह नोकझोंक भी हुई। सपा नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है, इसलिए अब दूसरे मुद्दे उछालकर जनता को गुमराह कर रही है। कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के गुरसहायगंज कस्बे में सपा ने बेरोजगारी के खिलाफ रैली निकाल प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ताहिर सिद्दीकी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तहसीन व पूर्व प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम की अनुमति न मिलने के बाद भी सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह पुलिस से नोकझोंक भी हुई। नेताजी, क्या कार्यक्रम था आज, किसको लेकर पदयात्रा दिया गया? आज कोई समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये नौजवान बेरोजगार संघ का कार्यक्रम था। क्योंकि वो 5 वर्षों से परेशान थे, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी, उनका बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया गया था, जो नौकरियां निकली थी वो निरस्त हो गई थी, नौकरियों के नाम पे बड़े पैमाने पे लोगों से ठगी हुई थी और कई पेपर निरस्त हुए थे, नौकरियां निकाली नहीं थी, आरक्षण में बड़ा घोटाला हुआ था, पिछड़े वर्ग और दलितों को आरक्षण नहीं मिला था। बेरोजगार संघ ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ये कार्यक्रम रखा था। पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई, पुलिस ने कार्यक्रम को रोका। पुलिस बेचारी उनको कार्यक्रम नहीं करने नहीं देती थी। तब उन्होंने हम लोगों को बुलाया और हम समाजवादी लोग हैं, नौजवानों किसानों मजदूरों की आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा था। आज लोकतंत्र में अपनी आवाज कोई नहीं उठा सकता है, अपनी बात नहीं सरकार के विरुद्ध कर सकता है। उन्हें पता नहीं जिस तरीके से पुलिस के लोग रोक रहे थे, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती भी होता है और देश का भविष्य भी होता है। तमाम पुलिस के लोगों को देखा है, वो पुलिस के लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है, यही पुलिस के लोग माला लेके स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं और जब नौजवान किसान आवाज उठाता है तो उसे लाठी देते हैं, मुकदमे की धमकी देते हैं। अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे। पुलिस तैयारी कर रही है क्योंकि बिना अनुमति के कार्यक्रम हुआ, मुकदमा लिखने की तैयारी कर रही है, क्या करेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के लिए जनता की लड़ाई के लिए लड़े गए मुकदमे कहने होते हैं और जेल हमारे लिए तीर्थ है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के अगर हम जेल गए वो बड़ा खुशनसीब वाला होता। अच्छा, युवा को क्या संदेश देंगे जो आज युवा सड़कों पर निकला है सरकार के खिलाफ, क्या संदेश? नौजवान इस भ्रष्ट निकम्मी झूठी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हुंकार भरी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से, क्योंकि तमाम सबने कहा है जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, भारत का इतिहास तलवारों की धारों पे बनता है।